नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। इस वक्त खबर है जनपद जौनपुर से, जहां सागन सरपताह थाना क्षेत्र के भसौली गांव निवासी बबलू पांडे ने प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि सिविल कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद जिला और तहसील प्रशासन की मिली भगत से विपक्षी कमलेश मिश्रा दीवानी न्यायालय के स्थगन आदेश का पालन कराने में उदासीनता बरत रहे हैं। दोनों पक्षों का अपने अपने खाता नंबर पर स्थगन आदेश पारित कराया गया। वहीं शिकायतकर्ता ने एडीएम, एसपी और एसडीएम को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, किंतु प्रशासन किसी भी कीमत पर न्यायालय के स्थगन आदेश का पालन कराने में पूरी तरह से असमर्थ है। वहीं प्रशासन और विपक्षी स्थगन आदेश को कुछ नहीं समझते, जिसके कारण अवैध निर्माण निरंतर जारी है और न्यायालय के आदेश को ताक पर रखकर आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही। यदि इसी प्रकार से न्यायालय के आदेश को प्रशासन द्वारा दरकिनार करके तानाशाही और मनमानी रवैया अपनाया जा रहा है, तो प्रशासन खुलेआम किसी न किसी प्रकार की अप्रिय घटना को न्योता दे रहा है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से पठान अली की रिपोर्ट। पांडे, पिताजी के नाम श्री निर्मल पांडे। पता ग्राम भैसौली, जिला जौनपुर, तहसील सागन, थाना सरपताह। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हम अपनी जमीन पर स्थगन आदेश 2019 में लिए थे, जिसके जो है विपक्षी हमारे जमीन में निर्माण कर रहे हैं, उसको रोका नहीं जा रहा है। क्या इस समय स्थगन आदेश प्रभावी है? जी जी जी। कब तक स्थगन आदेश? 10/1/2022 तक। अच्छा, तो इसके लिए आपने किसी अधिकारी को? हाँ, हमने एसडीएम को पत्र लिखा, डीएम से भी बात की, कप्तान को भी लिखा, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो डीएम ने क्या आदेश किया, क्या निर्देश दिया? डीएम ने यही कहा कि आप भैया एसडीएम से बात कर लीजिए, एसडीएम को सारी जानकारी है। क्या लिखित रूप से आदेश दिए या नहीं? को? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं दिया। अच्छा, अभी इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों आए? हम आए थे एसडीएम साहब से यहाँ अपनी अर्जी दिखाने। एक मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप से हमारे पास आख्या आई थी, जिस पे लिखा हुआ है कि दोनों नंबरों पे विवाद है, लेखपाल और तहसीलदार की उस पे आख्या है, जिस पे लिखा है कि दोनों नंबरों पे विवाद है, विवाद के उपरांत ही उस पे कोई कार्रवाई की है। वही हम दिखाने आए थे, जो कि एसडीएम साहब देखे नहीं है। अच्छा अच्छा। और एक आदेश में डीएम ने लिखा था कि ये सच्चो जा कर के न्यायालय के आदेश का पालन कराएं या फिर नियमानुसार कार्रवाई करें, तो क्या हुआ? न्यायालय का अब जो है पालन हो रहा है, नियम का यथास्थिति वहाँ कायम होना चाहिए। एक तरफ विपक्षी का निर्माण कराया जा रहा है। किस किस गाटा संख्या पर स्थगन आदेश है? 249 और 258। 258 किसका है? 249 258 हमारा है। अच्छा। 249 विपक्षी का है, जो बॉर्डर का मामला है, जो हमारा जो है गलत पैमाइश हुई है, हमने आपत्ति दर्ज कराई है एसडीएम के यहाँ। एसडीएम ने उसको जो स्वीकार किया है। 18 तारीख को हमको उन्होंने डेट दी है। 18 किस महीने में? इसी महीने में, दिसंबर। 18 दिसंबर। हाँ, 18 दिसंबर को आप समस्त प्रश्नावली के साथ पेश हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ निर्माण कार्य रोका नहीं गया, वो कर रहे हैं। क्या पैमाइश हुई थी पत्रावली के साथ जब उन्होंने आपको बुलाया पेश होने के लिए कहा, तो क्या इससे पहले भी पैमाइश हो गई? पैमाइश हुई उसके पहले। तो जब पत्रावली के साथ उन्होंने पेश होने के लिए कहा, तो इससे पहले कैसे मतलब पैमाइश हो सकती है? अब उन्होंने नहीं, जब दफा 24 हुई तो प्रथम पैमाइश हो गई। अच्छा, कच्ची पैमाइश करवाए वो, तो हमने आपत्ति दर्ज कराई, पैमाइश सही नहीं हुई। पत्थर गड्डी वगैरह हुई? नहीं नहीं, पत्थर गड्डी भी नहीं हुई। तो आपके हिसाब से सिविल कोर्ट के स्थगन आदेश का पालन नहीं कराया जा रहा अधिकारियों द्वारा? सिविल कोर्ट का कोई माने ही नहीं है। सिविल कोर्ट माने कुछ नहीं माना जा रहा है। सिविल कोर्ट माने